दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। बहुत सारी खबरें आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई आ रही हैं, सिलसिलेवार सभी खबरों का शुभारंभ करते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से निकलकर आ रही है। यहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को जो है एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर द्वारा जो है पत्र में बताया गया है कि देखिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो है बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सूचना मांगी गई है। आपको बता दें 8 फरवरी 2021 तक प्रत्येक दशा में पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समय से सूचना न उपलब्ध होने पर जो है सूचना शून्य मान ली जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि और दोषी मानते हुए सीडीपीओ के ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सकती है। सवाल यहाँ पर यह है कि सीडीपीओ से सूचना क्या क्या मांगी जा रही है। गोद लिए गांव में पोषण सुधार की स्थिति एवं निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण आख्या। पोषण पुनर्वास केंद्र पर माह जनवरी 2021 में भर्ती कराए गए बच्चों की संख्या, कन्या सुमंगला में कराए गए आवेदनों की संख्या, चिन्हित दिव्यांग बच्चों की सूची, परियोजना में कराई गई सेक्टर मीटिंग की स्थिति और संख्या, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन एवं घी दूध वितरण की सूचना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्थिति, यानी कि 7 सूत्रीय जानकारी जो है मांगी गई है जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा। और किनसे मांगी गई? समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी से। अगर आप लखीमपुर खीरी से इस खबर को देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसको भी देख लेते हैं। आपको बता दें यह जो खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें बाल विकास परियोजना निदेशक डॉक्टर सारका मोहन द्वारा यह पत्र जारी किया गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारियों को, और यहाँ पर कुछ जनपदों के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि इन्हीं जनपदों के फिलहाल जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ को यह पत्र प्रेषित किया गया है। अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, भदोही, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, कौशंबी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और सोनभद्र 75 जनपद हैं। लेकिन फिलहाल इन जनपदों के जो नाम हमने आपको बताए यह जिला कार्यक्रम अधिकारी ध्यान दें। सारका मोहन जो है निदेशक, इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी लाभार्थियों के डेटा डिजिटलीकरण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ ही निदेशक का कहना है कि विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि गर्भवती धात्री महिलाओं को 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चे, 3 वर्ष से 6 साल की आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, स्कूल न जाने वाली गंभीर रूप से अति कुपोषित बच्चे, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों की सूची जो है डिजिटल प्रारूप में विभाग में उपलब्ध न होने के कारण जो है मांग पत्र वितरण प्रभाव के मूल्यांकन इत्यादि में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। निदेशक का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर सभी लाभार्थियों से संबंधित जानकारी को डिजिटल करने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व में कैसे आच्छादित जनपदों को छोड़कर शेष समस्त जनपदों में निर्देश निर्गत किए गए थे, क्योंकि माह सितंबर 2020 में कैश बोर्ड के बाधित होने के कारण इन जनपदों में डिजिटलाइजेशन जो हो रहा था, DIA पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से लाभार्थी संबंधी जानकारी को डिजिटल प्रारूप में विवरण के अनुसार फीड कराया जाना प्रस्तावित है। अहम चीज़ क्या है इसको समझ लेते हैं, कुछ जो है पॉइंट अहम निकल कर आ रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपयुक्त अनुसार प्रत्येक लाभार्थी का पहचान पत्र के अनुरूप आधार कार्ड या अभिभावक का राशन कार्ड विवरण दर्ज करेंगी। साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लाभार्थियों का अद्यतन अपडेट यानी कि लगातार अपडेट हो रहा है या नहीं। दूसरा बड़ा पॉइंट जो है सरका मोहन का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर प्रारूप जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाएगा, लाभार्थी विवरण को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा दिया गए पोर्टल पर संबंधित ग्राम के CSC कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि को आवश्यकता अनुसार जो है सहयोग लेकर लाभार्थियों का विवरण फीड कराया जाएगा। उक्त पोर्टल पर फीड किए गए लाभार्थियों के विवरण को बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रिंट निकालकर सत्यापित किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन जो है 10 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के निदेशक द्वारा ये जारी किया गया है पत्र, जहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, तो वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही आपको बता दें जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पोर्टल का नियमित अनुसरण करते हुए लाभार्थियों की 100% फीडिंग 15 फरवरी तक सुनिश्चित करवाई जाएगी, और यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कार्य 12 फरवरी तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के निदेशक महोदय हैं जो इनके द्वारा निकल कर आ रही है, और किसी भी कीमत पर 12 फरवरी तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। नीचे एक प्रारूप दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये प्रारूप है जो नीचे इसमें कॉलम बने हुए हैं, तो ये प्रारूप में जो है जानकारी
देनी होगी। तो ये जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के जो भी जनपद हमने आपको बताए, इन जनपदों के प्रमुख तौर पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जो सूचित किया गया है। चलिए तीसरी बड़ी खबर को गौर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निदेशक जो है कपिल सिंह द्वारा यह पत्र जारी किया गया राजपोषण मिशन उत्तर प्रदेश कार्यालय महानिदेशक द्वारा। आपको बता दें इस पत्र के अनुसार जो है जानकारी दी गई है कि फिलहाल तो ये बता दें पत्र जो है जिला समस्त कार्यक्रम अधिकारी जो है और प्रभारियों को संबोधित किया गया है। और आप बताया गया है निदेशक का कहना है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा कि परियोजना कार्यालय पर उपकरण प्राप्त होने के सप्ताहांत यानी कि एक हफ्ता सप्ताह भर के अंदर एक हफ्ते के अंदर अविलंब आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित कर दिए जाएं तथा पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्राप्ति का जो है साक्ष्य यानी कि सबूत प्राप्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा GMD प्राप्ति की सूचना ग्राम पोषण समिति को दी जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रारूप दिया गया है, इसमें जानकारी जो है देनी है, क्रमांक संख्या, जनपद का नाम भरा जाएगा और स्टेडियोमीटर जो है इनफैक्ट बेइंग स्केल और मदर कम चाइल्ड बेइंग स्केल। अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया था किस तरीके से जो है उपकरण दिए गए हैं, फिर भी बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा था कि उनके पास जो है उपकरण जो है आप दिखा रहे हैं नहीं आए हैं। अब आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके जनपद में ये मशीनें दी गई हैं या फिर नहीं। अगर नहीं दी गई हैं तो कमेंट में अपने जनपद का नाम लिखें। तो ये जानकारी जो है कार्यालय महानिदेशक राजपोषण मिशन निदेशक कपिल सिंह द्वारा मांगी गई है। प्राप्ति आपूर्ति संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण संख्या, प्राप्ति आपूर्ति संख्या, जो तीनों मशीन दी गई है इनके बारे में कुल मिलाकर जानकारी मांगी गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि विभागीय ईमेल आईडी जो है इस पर 10/2 यानी 10 फरवरी तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध जानकारी करानी होगी। तो ये अहम पत्र जो है निदेशक कपिल सिंह द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जाते जाते इस खबर पर भी गौर कर लेते हैं। आपको बता दें ऑल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ब्लॉक अभुअर की बैठक हुई और जिसमें प्रांतीय प्रधान हरगोविंद कौर विशेष तौर पर शामिल हुई। और पंजाब प्रधान हरगोविंद कौर ने केंद्र सरकार से मांग की कि पिछले 45 वर्षों से ICDS विभाग में काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जबकि पंजाब सरकार से मांग की गई कि राज्य की 54,000 वर्करों और हेल्परों को हरियाणा की तर्ज पर मान भत्ता दिया जाए, प्री नर्सरी टीचर का दर्जा भी आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जाए। अक्टूबर 2018 से पंजाब सरकार द्वारा काटे गए रुपये तुरंत रिलीज किए जाएँ। आप लोग ये सुन रहे होंगे कि प्री नर्सरी टीचर का दर्जा मांग हो रही है सभी आंगनबाड़ी कर्मियों की है, जबकि सरकार जो है प्री प्राइमरी टीचर खुद ही बना रही है। लेकिन ये मांग और बनाने में दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए। आपको बता दें सरकार जो है प्री प्राइमरी टीचर जो बनवा रही है, कहने को तो ये प्री प्राइमरी टीचर होंगे लेकिन वेतन में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हो रहा है। इसी कारण से इन आंगनबाड़ी वर्करों का आक्रोश फूट रहा है। इनका कहना है कि प्री नर्सरी टीचर अगर बनाया जा रहा है तो उस हिसाब से जो है वेतन दिया जाए, साथ ही जो है अन्य मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि 30 से 40 साल हो गए हैं वर्करों को लगातार कुल मिलाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें, साथ ही JMHNews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।